हेलो गाइस वेलकम टू सेंशल्स ऑफ मेडिकल साइंस मैं नाम है मोहित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अपर लिम के बारे में सो so बेसिकली एक बेसिक सा टॉपिक मैंने लिया है फॉर द न्यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो अभी एडमिशन लेके कॉलेजेस में जा रहे हैं और उनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है अनेडमी का तो स्टार्टिंग मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होती है अपर लिम के सब, uh, मतलब अपर लिम के पार्ट से एंड अपर लिम को शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम यहाँ पे इस वीडियो में लेंगे जिसमें हम सारे अपर लिम में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे क्या क्या होता है अपर लिम कौन कौन से पार्ट्स से बना हुआ है अलग अलग पार्ट्स में कैसे डिवाइड हुआ है सब हम बात करेंगे इसी वीडियो में उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद माई चैनल सो माई चैनल्स नेम इज़ असेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस जिसपे मेरे अप्रोक्स uh, यहाँ पे वेट अ मिनट तो मेरे यहाँ पे फोर पॉइंट थ्री नाइन सब्सक्राइबर्स हैं मैंने स्टार्ट किया था टू ट्वेंटी में मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली मतलब 2019 में मैंने वैसे किया था बट दो तीन वीडियो डाल के मैंने छोड़ दिया दे था देन आई आई कंटिन्यूड इन 2020 ड्यूरिंग द कोविड टाइम एंड तब से ये सिलसिला चल रहा है एंड 4.39 लाख की मेरे पास अभी यूट्यूब फैमिली है मैंने टोटल 353 फिफ्टी थ्री वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड किए हैं जिसमें बहुत ही हाई ईल्ड वीडियोज़ हैं जिसमें आपको सारा एम का जो सिलेबस है वो आपको कवर्ड मिलेगा फर्स्ट ईयर का मोस्टली सिलेबस जो एनेटमी का बेसिकली मैं बता रहा हूँ एनेट का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर्ड आपको मिलेगा उसके अलावा बायकैम भी थोड़ी बहुत हाई फिजियो भी थोड़ी बहुत तो यहाँ पे कवर्ड है बाकी चीजें धीरे धीरे मैं अपलोड यहाँ पे कर रहा हूँ सो so, रिस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो थी बुक्स टू बाय इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द एम तो ये मैंने कल ही अपलोड किया तो जाके इस वीडियो को देख लेना इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ठीक है देन उसके अलावा इस तरह से आपको डिफरेंट वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पर जैसे ये एल्बो जॉइंट वगैरह से रिलेटेड वीडियो है उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट लिस्ट पे बना रखी हैं अपर लिप में टोटल 36 वीडियोस हैं एपडोमन में अभी 71 वीडियोस अवेलेबल हैं हेड नेक में 61 वीडियोस न्यूरो अनेटमी में 59 नाइन देन इसी तरह से मैंने अलग अलग पार्ट्स ऑफ द एनेटेमी को अलग अलग उसमें बांटा हुआ है बायो केमिस्ट्री की भी आपको एक अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी ठीक है सो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक विद द पार्ट ऑफ द अपर लिम तो हम बात करेंगे कि अपर लिम कौन कौन से पार्ट्स से यहाँ पे बना हुआ है तो अपर लिम में टोटल चार पार्ट यहाँ पर आते हैं वन इज योर शोल्डर रीजन शोल्डर रीजन होगा वन इज योर आर्म आर्म कहाँ से होता है शोल्डर से लेकर के हमारे एल्बो तक जो पार्ट है उसको हम आर्म बोलते हैं एल्बो से रिस्ट तक जो पार्ट है हम उसको बोलते हैं फोर आर्म एंड उसके बाद जो ये रिस्ट जॉइंट से आगे वाला जो ये मेरा हिस्सा बच गया इसको बोलते हैं हम हैंड तो टोटल टोटल चार पार्ट्स है शोल्ड शोल्डर रीजन आर्म जिसको हम ब्रेकिअम भी बोलते हैं Forum, जिसको हम एंटी ब्रेकियम भी बोलते हैं देन वी हैव द हैंड जिसको हम माइनस भी बोलते हैं ठीक है टोटल हमारे पास चार पार्ट्स हो गए यहां पे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले तो आपके फर्स्ट ईयर के शुभारंभ के लिए पीडब्ल्यू मेड लेके आया है प्रारंभ बैच फॉर द एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफ एग्जाम एंड इसमें आपको मिलेगा मोर देन 300 हंड्रेड आवर्स ऑफ द लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिलेगा सारा का सारा यू हैव आपको फर्रे सीरीज मिलेगी जिसमें फ्रीक्वेंटली आज जो प्रीवियसली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है वो सब आपको मिलेंगे फुल एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं उसके साथ देन यू हैव द थ्री डी मॉडल लेक्चर सारे जो जो लेक्चर इसमें मिलेंगे वो थ्री डी मॉडल्स के साथ आपको मिलेंगे जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी देन यू हैव द क्वेश्चन बैंक आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे नोट्स भी मिलेंगे एंड बाकी ये जितनी भी चीजें हैं इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टर डॉक्टर राजेश सर पढ़ाएंगे एनेडेमी में डॉक्टर प्रदीप सर एंड फिजियोलॉजी में डॉक्टर विवेक सर और ये सब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ रुपीज़ ये ऑफर आया है गांधी जयंती के ऊपर मतलब सेकंड अक्टूबर से ऑफर स्टार्ट है और ये कुछ ही दिन के लिए ऑफर है तो अभी जाके इस ऑफर को ग्रैप करो एंड बाय करो रुपीज 4, का ही है एंड अगर आप यूज करते हो कोड ई ओ तो आपको एक्स्ट्रा फाइव डिस्काउंट भी मिलेगा मतलब फोर के ऊपर आपको एक्स्ट्रा फाइव परसेंट डिस्काउंट में मिलेगा अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करते हो तो मैंने जो लेक्चर्स का बताया उसमें आपको एक मेडवर्स लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें आपको थ्री डी मॉडल लेक्चर्स मिलेंगे ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके तो यह सब चीजें आपको मिल रही सिर्फ रुपीज फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइन नाइन में तो अभी जाके इस ऑफर को ग्रैप करो एंड डाउनलोड डाउनलोडो पीडब्लू मेडेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर तो मैंने चार पार्ट्स यहाँ पे बता दिए थे शोल्डर रीजन को हमने फर्दर यहाँ पे डिवाइड किया है किस किस में वन इज योर पेक्टोरल रीजन ये वाला जो मैं हाथ लगा रहा हूँ ये वाला जो पार्ट है चेस्ट वाला पार्ट जिसको ब्रेस्ट रीजन भी बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल रीजन देन वी हैव द एक्ला एक्जिला कौन सा होगा ये वाला पार्ट ये मेरा एक्जिला वाला पार्ट हो गया जिसको हम आम पीठ भी बोलते हैं देन वी हैव द स्कैपुलर रीजन जो पीछे की तरफ होता है दिस इज योर स्कैपुलर रीजन ये तीनों मिलकर हमारा शोल्डर रीजन बनाते हैं आर्म की बात करें तो आर्म मैंने बताया था शोल्डर से लेके एल्बो तक होता है फोर आर्म एल्बो से लेके रिस्ट तक होता है देन वी हैव द हैंड 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 में में हमारे हमारे पास पास क्या क्या आ आ जाता जाता है है तीन पार्ट्स में हमने हैंड को डिवाइड किया है वन इज योर रिस्ट 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 किसको बोलते हैं रिस्ट वाले पार्ट में क्या आता है कार्पस कार्पस भी बोलते हैं इसको कार्पस क्यों बोलते हैं यहाँ पे कार्पल बोन्स होती है टोटल एट कार्पल बोन्स होती है ना तो वन इज योर कार्पस अदर इज योर हैंड प्रॉपर इसको ये वाला जो पार्ट है रिस्ट से लेकर के यहां तक ये यह वाला जो पार्ट बच गया ये वाला इसको हम बोलते हैं हैंड प्रोपर या फिर इसको मेटाकार्पस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मेटाकार्पल बोन्स प्रेजेंट होती है देन वी हैव द डिजिट्स इस लाइन के इस वाली लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट जो बच गया ये वाला पूरा ये वाला जो मेरी उंगलियाँ दिस इज योर डिजिट्स टोटल पांच डिजिट्स है जिसमें वन इज योर थंब एंड अदर फोर आर योर फिंगर्स टोटल फाइव डिजिट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोन्स कौन कौन सी आती है तो शोल्डर रीजन में हम दो बोन्स पढ़ने वाले हैं वन इज योर क्लेविकल ये वाली जो बोन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक जो तो जाते हैं दिस इज योर क्लेविकल एंड वन इज योर स्कैपुला स्कैपुला बोन यहाँ मेनली पीछे से आप फील कर पाओगे उसको वन इज योर स्कैपुला देन आर्म में हमारे पास एक ही बोन होती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरस बोन आम में हम एक बोन पढ़ेंगे दैट इज योर ह्यूमरस बोन देन फोर आर्म की बात करें तो यहाँ पे दो बोन है जो थंब की साइड जिसको हम बोलते हैं लेटरल साइड वहाँ पे होती है रेडियस एंड मीडियल साइड पे होती है अल्ना तो दो बोन कौन कौन सी होगी रेडियस एंड अल्ना हैंड की बात करें तो हैंड में आपको टोटल तीन तरह की चीजें मिलेंगी वन आर योर कार्पल्स तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था ना मैंने हैंड प्रोप हैंड को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था रिस्ट या कार्पस कार्पस में कार्पल बोन्स होती है यहाँ पे टोटल एट कार्पल बोन्स होती है यहाँ पे देन यू हैव द फाइव मेटा कार्पल्स इन हैंड प्रोपर एंड यू हैव द फोर्टीन फेलेंजेस दो फेलेंजेस होती है थंब में बाकी चारों फिंगर्स में थ्री थ्री फेलेंजेस होगी तो ट्वेल्व एंड प्लस टू इज इक्वल टू फोर्टीन तो फोटीन आर योर फेलेंजेस फाइव आर योर मेटाकार्पल्स एंड एट आर योर कार्पल बोन्स तो इस तरह से हमारी टोटल अपर लिम में इतनी ही हमारे पास बोन्स है जो हमें पढ़नी है ज्वाइंट्स की बात करें तो सिंपल सी बात है अगर मैं बात करूँ शोल्डर शौ, रीजन की तो वहाँ पे दो जॉइंट मेनली बनते हैं जो आपको नहीं पढ़ने पड़ते वन इज योर स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट वन इज योर एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट ठीक है स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में हो गया एक यहाँ पे जॉइंट है स्टर्नो क्लेविकल क्लैविकुलर और क्लैविकल यहाँ पे स्केपला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ भी एक जॉइंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्लेविकुलर जॉइंट ये दो जॉइंट आते हैं शोल्डर रीजन में अब आप बोलोगे शोल्डर जॉइंट क्यों नहीं आया क्योंकि शोल्डर जॉइंट को हम इंक्लूड करते हैं आर्म वाले रीजन में तो आर्म वाले रीजन में एक जॉइंट हमारे पास बनता है दैट इज योर शोल्डर जॉइंट फोराम की बात करें तो फोराम में हमारे पास दो जॉइंट बनते हैं वन इज योर एल्बो जॉइंट एंड वन इज योर रेडियो अल्नर जॉइंट एल्बो जॉइंट यहाँ पे बनता है ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में एल्बो ज्वाइंट बनता है और रेडियस और अल्ना के बीच में भी अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे ना बुक में तो वो दोनों भी यहाँ पे आपस में जुड़े होते हैं तो वो कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं उसको रेडियो अल्नर ज्वाइंट्स बोलते हैं तो दो हमारे पास जॉइंट हो गए एल्बो जॉइंट एंड रेडियो अल्नर जॉइंट इन द म एंड हैंड की बात करें तो हैंड में हमारे पास बहुत वाइड वैरायटी ऑफ हमारे पास जॉइंट्स होते हैं एक एक करके सबकी बात करता हूं वन इज योर रिस्ट जॉइंट रिस्ट जॉइंट कौन बना रहा है यहां से हमारे पास फोर में दो बोन्स है वन इज योर रेडियस वन इज योर वन इज योर रेडियस ऑन द थम साइड एंड वन इज योर अल्ला ऑन द लिटिल फिंगर साइड ठीक है ये दोनों बोन्स नीचे जो क्या आ रहा था नीचे यहाँ पे क्या आ रहा था रिस्ट या कार्पस बोल रहे थे ना हम इसको हैंड के पार्ट को यहाँ पे क्या आ रहा था यहाँ पे कार्पल बोन्स आ रही थी तो कार्पल बोन्स एंड रेडियस अल्ना के बीच में जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं रिस्ट जॉइंट किस किस के बीच में बना बिटवीन द कार्पल बोन्स एंड द रेडियस एंड द अल्ना इसको हमने क्या बोल दिया रिस्ट जॉइंट नंबर वन ज्वाइंट क्या हो गया रिस्ट जॉइंट सेकेंड ज्वाइंट की बात करें तो सेकंड ज्वाइंट इज योर इंटर कार्पल इंटर कार्पल मतलब कार्पल्स के बीच में आठ कार्पल है ना वो आपस में वो भी जुड़ी हुई होती है तो दैट इज योर इंटर कार्पल देन अब कार्पल्स किससे जुड़ेंगे ये क्या है दिस इज योर मेटा कार्पल्स यहाँ पे मेटा कार्पल्स प्रेजेंट है तो कार्पल्स आर ज्वाइंट विद द मेटा कार्पल्स विद द हेल्प ऑफ द कार्पो मेटा कार्पल ज्वाइंट नाम नाम जोड़ना है कार्पल और मेटा कार्पल के बीच में कार्पो मेटा कार्पल ज्वाइंट ठीक है सिंपल सी बात है नेक्स्ट जो मेटाकार्पल्स हैं वो भी ऊपर उनका जो टेल एंड होता है वो भी आपस में जुड़ा होता है उनका हेड एंड होता है वो भी आपस में जुड़ा होता है तो उस वो कौन सा ज्वाइंट हो गया मेटाकार्पल्स के बीच में ज्वाइंट है तो उसको क्या बोलेंगे इंटर मेटाकार्पल ज्वाइंट ठीक है समझ आ गया बात नेक्स्ट अगर हम बात करें अब ये मेटाकार्पल्स आगे यहाँ पे किससे जुड़े हुए हैं इस लाइन पे किससे जुड़े हुए यहाँ पे आगे क्या है ये फेलेंजेस अलग अलग फेलेंजेस अलग अलग बोन्स आई ये तो फेलेंजेस और मेटाकार्पल आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे ये तो आप ही बता दोगे मेटाकार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट क्या बोलेंगे मेटाकार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट तो एक हो गया मेटाकार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट अब एक और ज्वाइंट बचा कौन कौन सा अब मैंने बोला था फिंगर्स में थ्री थ्री फैलेंजेस होते हैं ये प्रोगजिमल फैलेंच वन ये दूर वाला डिस्टल और एक बीच में मिडल वाला फैलेंज तो ये ये फैलेंजेस भी आपस में जुड़े हुए हैं अगर मैं बात करूं अगर आप देखोगे ये मेरा फर्स्ट फैलेंज है ये मेरा सेकंड फैलेंज है फर्स्ट और सेकंड फैलेंज के बीच में जॉइंट है क्या बोलेंगे इसको इंटरफेलेंजियल जॉइंट कौन सा वाला इंटरफेलेंजियल जॉइंट ये पास में है तो इट इज योर प्रोग्जिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट दूसरा अगर हम बात करें मिडल फैलेंज मिडल फैलिंग्स एंड योर जो तुम्हारा हो गया डिजिटल वाला फेलिक्स जो है इन दोनों के बीच में भी एक जॉइंट है इसको क्या बोलेंगे डिजिटल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स तो हमारे पास क्या क्या वन इज योर प्रोक्जिमल डि एंड वन इज योर डिजिटल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स तो इतने सारे जॉइंट्स हमारे प्रेजेंट है हमारे हैंड वाले पार्ट में ठीक है तो मैंने आपको ये सारी ओवरव्यू दे दिया अब एक और चीज़ जो हम आगे जब अपर में पढ़ेंगे तो आपको काम आएगी ये चीज़ ये भी मैं आपको बता देता हूँ तो अलग अलग डिजिट्स को अलग अलग नाम दिया हुआ है थंब को है ना थंब को हम बोलते हैं पोलेक्स तो थंब से रिलेटेड जो होंगी जो जाके थंब वाले रीजन में जाके इंसर्ट हो रही होंगी जो जो हम आगे पढ़ने वाले like flexor longus. तो वहाँ पे polys, word भी आपको मिले तो इट इज रिलेटेड योर पोलेक्स रिलेटेड टू पोलेक्स बिकॉज थम्ब को दूसरा नाम जो थम्ब को हम देते हैं तो इस वजह से अगर आपको पोलिसिस वर्ड कहीं भी मिलेगा दैट इज रिलेटेड टू योर थम्प इतना समझ आ गया सेकंड फिंगर सेकंड फिंगर मतलब सेकंड की बात कर रहा हूं मतलब फर्स्ट फिंगर आ गया थम खत्म हो गया अब ये फर्स्ट फिंगर है हमारी इसको हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर उसके बाद इसको क्या बोलते हैं ये तो सबको पता है मिडिल फिंगर बोलते हैं इसको उसके बाद इसको क्या बोलते हैं इसमें रिंग पहना दें ठीक है दिस इज योर रिंग फिंगर इसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं एंड लास्ट में जो छोटी उंगली है इसको हम बोलते हैं सॉरी लिटल फिंगर तो लिटल फिंगर को दूसरा नाम भी यहां पे दे, दे देते हैं अपन लाइक डिजिटी मिनिमी डिजिटी मिनिमी अगर हम पढ़ेंगे ना जब अलग अलग मसल्स के नाम लगे एक्सटेंसर डिजिटी मीनिमी तो डिजिटी मीनिमी जहां पे भी आएगा दैट इज योर लिटिल फिंगर से रिलेटेड पोलिसिस वर्ड जहां आएगा दैट इज योर थम्स से रिलेटेड एंड इंडेक्स के लिए वर्ड यूज करते हैं इंडिसिस इंडिसिस वर्ड जहाँ पे आएगा दैट इज़ रिलेटेड टू अयर इंडेक्स फिंगर मतलब वो मसल जाके कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही है वो मसल हमारी इंडेक्स फिंगर में सिंपल सा ये हमें मतलब वहाँ पे समझना होगा तो इस तरह से मैंने आपको इस वाले वीडियो में थोड़ा ओवरव्यू दिया है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लिम में तो आई थिंक आपको अब थोड़ा हो गया होगा कि कौन कौन सी बोन्स पढ़नी है कौन कौन से पार्ट्स कैसे डिवाइडेड है कैसे कैसे जॉइंट्स बने हैं अलग अलग तो अब आने वाली वीडियोस में मैंने बहुत सी वीडियोस तो अब अपर, अपर लिम के अपलोडेड भी है मेरी आप वो भी देख सकते हो एंड अभी मैं वापस से सारी वीडियोस को रिन्यू करने वाला हूँ मतलब इस तरह से सारी वीडियोज़ को पढ़ाने वाला तो वो भी धीरे धीरे आती रहेंगी सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट ईयर ऑफ एम थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मिलता जल्दी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय